दोस्तों 10 जुलाई से सावन शुरू हो चुका है और अब अंतिम टाइम आ गया सावन के ख़त्म होने का। और शनि प्रदोष दोस्तों हैं कल 5 अगस्त को, तो हम बताएंगे कि आप किस तरह से अपना किस्मत बदल सकते हैं। हर व्यक्ति अपने जीवन में दो चीज़ों की हमेशा इच्छा रखता है दोस्तों, वो है स्वस्थ शरीर और पैसा। अगर व्यक्ति का शरीर एकदम हेल्थफुल है और तभी हर काम में उसे मज़ा आता है और सक्सेस प्राप्त कर पाता है। लेकिन अगर मनुष्य का शरीर ठीक नहीं है या किसी बीमारी से ग्रस्त है तो ना तो उसका किसी काम में मन लगता है दोस्तों, और ना ही मनोकामनाएं पूरी कर पाता है। क्योंकि जब हम स्वस्थ रहेंगे तभी तो दोस्तों हम सुबह नहा धोकर ब्रह्म मुहूर्त में उठ पाएंगे, तभी तो हम भगवान को नहला पाएंगे, तभी तो हम भगवान की सेवा कर पाएंगे, पूजा कर पाएंगे, उन्हें फूल माला चढ़ा पाएंगे, उनको कुमकुम अक्षत साबुत चढ़ा पाएंगे और जाके मंदिर में जल चढ़ा पाएंगे। तो हमारा स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। आज हम आपको बताएंगे सावन के आखिरी शनिवार के महत्व के बारे में। इसके अलावा आपको जानकारी देंगे कैसे इस दिन शनि दोष से जुड़ी कठिनाइयों से आपको छुटकारा मिल सकता है। सावन के महीने के अधिष्ठाता भगवान शिव हैं जो शनि देव के गुरु हैं। सभी ग्रहों और समय को नियंत्रित करने के कारण इन्हें महाकाल कहते हैं। शनि की पीड़ा से भगवान शिव या हनुमान जी बचा सकते हैं। अगर दोस्तों आपके ग्रह जो है खराब चल रहे हैं, उन्हें शनि ग्रह ने ग्रसित कर रखा है आपके ग्रहों को, तो भगवान शिव या हनुमान जी बचा सकते हैं। इसीलिए सावन में शनि की पूजा करके न सिर्फ शनि की दुख तकलीफ से मुक्ति मिलती है दोस्तों, बल्कि 4 कड़क बादाम दोस्तों आपको क्या करना है उपाय में, अगर आप शनि की 7.5 से दोस्तों पीड़ित हैं तो सावन के इस अंतिम शनिवार को कर लें ये छोटा सा कारगर उपाय। 4 कड़क बादाम दोस्तों ले लें, छोटा सा काला चकोर कपड़ा ले लें, 1 लौंग, 1 मोटी इलायची सावन के आखिरी के शनिवार को हनुमान मंदिर में चढ़ाकर आसन पर बैठकर 4 बादाम हाथ में लेकर उन्हें देखते हुए 2 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। फिर उसी आसन पर खड़े होकर अपनी सारी कठिनाइयां बादामों को देखते हुए मनी मन बोलनी है या सोचकर कि हे शनि देव हैं, या सोचकर कि वह शनि देव है, जो बादाम है जो आपने 4 बादाम अपने हाथ में लिए हैं दोस्तों उन्हें आप शनि देव सोच लीजिएगा और उनसे अपनी कठिनाइयों के बारे में प्रार्थना करिएगा। फिर उसे हनुमान जी पर चढ़ा देना है, तो उसे हनुमान जी पर आप चढ़ा दीजिएगा। दोस्तों मैं एक बात बताने जा रही हूँ कि आप सावन का जो है कल आखिरी शनिवार है, तो आप एक रोटी बना लीजिए और रोटी के 4 टुकड़े कर लीजिए। 1 आप गाय को दे दीजिए, 1 कुत्ते के लिए निकाल दीजिए, 1 कौवे को दे दीजिए और 1 चौराहे पर रख दीजिए। तो इससे आपके जो ग्रह हैं, शनि की 7.5 है, राहु है, केतु है, तो अपने घर में आप शांति चाहते हैं तो ये उपाय ज़रूर कीजिए दोस्तों। और एक दूसरा उपाय ये है दोस्तों कि आप जो है शुक्रवार के दिन रात में 1 रोटी बना लीजिए, जो आखिरी बचे उसकी रोटी बना के सरसों का तेल चुपड़ के, जिन दोस्तों को मकान की इच्छा है तो चुपड़ के वो कुत्तों को डाल दें छत पे, छत पे जो है वो कौओं को डाल दें, और या अगर कौवे नहीं मिले काले वाले तो आप उन्हें काली गाय है, भैंस है, कुत्ता है, उसे खिला दें, तो देखिएगा आपके जितने भी खराब ग्रह हैं वो सब दूर होने लगेंगे और आपके घर में अच्छी बातें आने लगेंगी। दोस्तों एक उपाय ये भी बताना चाहती हूँ कि आप अपने एक घर में लाल रंग का धागा ले लीजिए और अपने ऊपर से आप जो हैं 7 बार उसे नाप लीजिए और नाप कर आप जब उसके बाद जो है इतवार आएगा, कल तो आपको ये उपाय करना है शनिवार के दिन,
और उसके बाद जो है इतवार वाले दिन आप उसको किसी नदी में बहा दीजिए। दोस्तों, अगर आपके घर में कोई डिप्रेशन का मरीज है या आपके घर में कोई सोच रहा है, बहुत दिमाग उसका नहीं ठीक चल रहा है, नॉर्मल नहीं है, तो आप एक उपाय और कर सकते हैं दोस्तों। वो ये है कि आप रोटी का जो बनाने जाएं तो उसमें तवे पर जो है वो दूध की छींटे डाल दें और फिर रोटी बनाएं और उस व्यक्ति को खिलाएं जिस पर ये दिमागी प्रॉब्लम चल रही है। उस व्यक्ति को खिला देंगे तो उसकी सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो दूर हो जाएंगी और आपके घर में खुशियाँ ही खुशियाँ आ जाएंगी। दोस्तों, आपके बच्चों पर, आपको परिवार के किसी भी सदस्य को नज़र लग गई हो तो आपको मैं एक अचूक उपाय बताती हूँ कि आप शनिवार के दिन, सावन का कल शनिवार आ रहा है, या आप किसी भी शनिवार के दिन दो रोटी बना लें और उस जिस पर को नज़र लगी है, यानी बच्चे को लगी है या आपके पति को लगी है या आपकी कन्या को लगी है जो स्कूल जा रही है पढ़ने, उसको लग गई है, तो उसके ऊपर से 7 बार 11 बार 13 बार इतनी बार उतार के उसे आप किसी काले कुत्ते को, काली गाय को, भैंस को या कौवा आपके घर में है उसे भी खिला सकते हैं। छत पर डाल दीजिए तो वो आपकी सारी नज़र, आपके घर की जितनी भी बुराइयां हैं वो सब दूर हो जाएंगी और सकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश करने लगेगी। दोस्तों, अगर आपको शनिवार को याद ना आए तो अमावस्या के दिन भी आप ये उपाय रोटी वाला कर सकते हैं और अपनी समस्याओं, अपनी कठिनाइयों को दूर कर सकते हैं और घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश करा सकते हैं। लेकिन आप इन सब चीज़ों के लिए बहुत गंभीर रहें कि मुझे ज़रूर ये उपाय करने हैं, अपने घर में सकारात्मक ऊर्जा लानी है, घर में हमेशा खुशियाँ लानी, जिससे मेरे घर में लक्ष्मी आए और मेरे घर में बरकत हो। दोस्तों, अगर आपके ग्रह खराब चल रहे हैं, 9 ग्रहों की शांति के लिए, शनि देव को खुश करने के लिए आप सुबह चावल की खीर बना लें। खीर बनाकर उसमें रोटी डाल दें और उसे रोटी डाल करके उसे कुत्तों को या कौओं को खिला दें तो जितने भी आपके ग्रह दोष हैं वो सब दूर हो जाएंगे। और दोस्तों, मैं आपको एक और उपाय बताती हूँ कि आप ज़रूर करें। गाय हमारे 88 देवी देवताएं उसमें बसते हैं। सनातन धर्म में गाय बहुत ही पूजनीय है। उसको रोज़ सुबह आप, जब भी आपके पति देव घर से बाहर निकले या आपके बच्चा घर से बाहर निकले या आपकी कन्या स्कूल जा रही है, तो आप उसके लिए एक रोटी जरूर सुबह जो बनाते हैं आप खाना, तो सबसे पहली रोटी आप गाय को जरूर दें, जिससे आपके घर में लक्ष्मी का प्रवेश होगा, घर में बरकत रहेगी और हमेशा खुशहाली बनी रहेगी। और अपने घर में अगर आप बाजरा रख लें दोस्तों, तो बाजरा आप कबूतरों को खिलाते हैं तो बहुत ही शुभ होता है। मछलियों को अगर आप गोलियां आटे की डाल के देते हैं तो उससे भी घर में लक्ष्मी आती है। और आखिरी रोटी दोस्तों क्या है, जो कुत्ते की ज़रूर निकाल दें। जो आप रोटी बना लें, सारी रोटियां बन जाएं, फिर जो सबसे आखिरी रोटी हो कुत्ते को ज़रूर खिलाएं, जिससे आपके घर में लक्ष्मी का प्रवेश ज़रूर होगा। अगर आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।